हिंदू जागरण मंच की ओर से जीआईसी मैदान पर हिंदू युवा मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन आगामी 21 अक्टूबर को किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस आयोजन में 21,000 युवा एकत्रित होंगे, जो शहीदों को पुष्प अर्पित करेंगे और शहीदों के परिजनों का सम्मान भी करेंगे। पूरा ब्रज प्रांत हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के तत्वावधान में 21 अक्टूबर को दिन रविवार को 2018 इसी वर्ष हम हिंदू युवा मंथन 2018 कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। हिंदू युवा मंथन पूरा हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के पूरे ब्रज प्रांत प्रत्येक प्रांत से प्रत्येक जिले और महानगर से 1,000 की संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित रहेंगे और आगरा से करीब 10,000 से ज़्यादा राष्ट्ररक्षक उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिला के 21,000 युवाओं का ये कार्यक्रम है, जिसमें शहीदों के पूरे आगरा जिले मंडल से और मथुरा आसपास ब्रज प्रांत से मुख्य मुख्य शहीदों के सब परिवारों को बुलाया गया है, निमंत्रण भेजा गया है। और हिंदू जागरण मंच का ब्रज प्रांत का मैं संरक्षक भी हूँ। ये जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं 21 तारीख को दोपहर 2 बजे हिंदू युवा मंथन शहीदों को नमन, हमारे भारतीय सेनाओं के जवान जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे और जो 20,000 जो युवा हैं इस दिन ग्राउंड में खड़े होकर के ताली बजा करके शहीदों के परिवारों का सम्मान करेंगे और आंतरिक सुरक्षा को लेकर के उस दिन हम लोग मंथन करेंगे कि भारतीय सेनाओं में। इस आयोजन में देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस बात की जानकारी हिंदू जागरण मंच की ओर से प्रेस वार्ता के जरिए दी गई है। वर्तमान में तो सम्मान मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूंगा। वर्तमान में तो हम फौजियों की पहचान हुई है। पूर्व में जो युद्ध हुए उनमें हमारे 100-100 सैनिकों को मुक्त वाहिनी के द्वारा वहां डाल दिया गया और उन्हें आग लगा दी गई मिट्टी का तेल डाल करके। लेकिन वर्तमान में कुछ दिनों से आयोजन में आगरा मंडल के उन सभी परिवारों को सम्मानित किया जाना है जिनके परिवार से कोई शहीद हुआ है। इसके लिए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता शहीद परिवारों के संपर्क में लगातार बने हुए हैं। योगेश त्यागी, सी न्यूज़ आगरा।